तो लीजिए, आपके सामने एक बार फिर से 15 प्रश्नों के उस समूह को लेकर आया हूँ मैं, अनुराग दीक्षित। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ पाठशाला रेलवे एग्जाम में। जैसे कि प्रश्न अभी तक 17 अगस्त से लेकर अभी तक पूछे जा रहे हैं, और जैसे भी प्रश्न इस वक्त आगे आने की पूरी पूरी उम्मीद है, हर शिफ्ट में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वो बेहतरीन 15 सवाल। जिन बच्चों का पेपर अभी तक नहीं हुआ है, उनसे निवेदन है कि जरूर देखिएगा एग्जाम हॉल में जाने से पहले। बहुत ज़्यादा समय नहीं रहेगा, लेकिन आपके नंबर इससे कन्फर्म हो जाएंगे कन्फर्मली, ठीक है। तो आते हैं पहले सवाल पर। जैसे कह रहा है ए और बी की आयु का योगफल 80 है, 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 15:17 होगा, तो ए का वर्तमान उम्र क्या है? देखिए, अब अगर दोनों की उम्र जो है इस वक्त 80 है, तो 8 वर्ष बाद ए की उम्र भी 8 वर्ष बढ़ेगी और बी की उम्र भी 8 वर्ष बढ़ेगी। यानी 8 वर्ष बाद जो उम्र का योग है ना, वो कितने वर्ष से 8 + 8 16 वर्ष से बढ़ जाएगा। तो 8 वर्ष के बाद ए और बी की जो उम्र का अनुपात होना है, उनका जो योग होगा वो 96 होगा, और अनुपात यहां पर क्या दिया है, 15:17। तो मैं देख पाता हूं 15 और 17 मिलकर 32 होता है, 32 का मान अगर 96 है तो 1 का मान 3 होगा। तो 3 के हिसाब से अगर मैं अभी देखूं तो 15 * 3 = 45 और 17 * 3 = 51। 8 वर्ष बाद ए और बी की जो उम्र होंगी वो 45 और 51 होंगी। यहाँ पूछ रहा था ए की वर्तमान आयु, ये सवाल ना पढ़ने के कारण गलती होती है। ए की वर्तमान आयु 45 नहीं है। अगर मैं ए यानी कि 45 से 8 साल पहले जाता हूँ तो मुझे ए की वर्तमान आयु मिलेगी, जो कि कितनी हो जाएगी, 37 वर्ष। कितनी हो जाएगी, 37 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 25 और 36 का मध्य अनुपाती ज्ञात करना है। अगर दो संख्याएं हैं ए और बी और इनके मध्य अनुपाती की बात की जाती है, तो इसका मध्य अनुपाती दोनों संख्याओं के गुणा करके उसका वर्गमूल लेते हैं। तो अब यहां पर क्या होगा, 25 और 36 था, 25 और 36। अब बालकों से गलती क्या होगी, वो पहले 25 का गुणा 36 में करते हैं, फिर उसके बाद जो संख्या आती है उसका वर्गमूल लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। अब देखो, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 36 का 6 होता है, तो 6 × 5 आप डायरेक्ट करिए, आंसर आपका 30 आएगा, मध्य अनुपाती 30 हो जाएगा, खत्म हो गया सवाल। नेक्स्ट देखिए, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल। अभाज्य संख्या है जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक संख्या खुद। तो पहली अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, फिर 7 और फिर 11। इन सभी का योग ज्ञात करना है। तो 5 * 3 = 8 + 2 = 10 और 11 * 17 = 28 और 10 18 और 10 = 28 हो जाएगा। तो योग कितना बन जाएगा भाई, 28, यानी कि 28, सबको जोड़ने पर 28 आएगा, ठीक है। लीजिए आपके सामने अगला प्रश्न लेते हैं। एक गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी दूरी को 25 मिनट में तय करती है, यानी जब गाड़ी की रफ्तार स्पीड 20 होती है तो उसको समय लगता है 25 मिनट का, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है यदि गाड़ी की चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दिया जाए, इसकी चाल अगर 5 बढ़ा दी जाएगी तो अब इसकी चाल हो जाएगी 25, तो कह रहा आप समय कितना लगेगा उसी दूरी को तय करने में। मतलब हमारे पास एक चीज पता हो गई है कि जो डिस्टेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है, जो दूरी है वो क्या है, कांस्टेंट है। आपको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर, और अगर दूरी कांस्टेंट होती है तो चाल का अनुपात व्युत्क्रमानुपाती होता है समय के अनुपात का। तो अब अगर मैं यहां से चाल के अनुपात को देखता हूं तो चाल का अनुपात क्या आएगा, 5 से काटेंगे 4, 5 से काटेंगे 5, चाल का अनुपात है 4 और 5 का। तो समय का अनुपात क्या होना चाहिए, 5 और 4, 5 का मान 25 है तो 4 का मान क्या होगा, 20 मिनट, यानी उसको कितना समय लगेगा अब, 20 मिनट। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, किसी समबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं जो है वो 5 सेंटीमीटर की है, तीसरी भुजा 8 सेंटीमीटर की है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में जहां पे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, उसके लिए लिखते हैं b/4 रूट के अंदर 4a² - b², ठीक है, 4a² - b². यहां पर a जो है वो क्या है, समान भुजाओं वाली बात है, और b क्या है, जो भुजा अलग है, जिसकी लंबाई अलग है, जो अन्य दोनों के समान नहीं है, ठीक है। तो अब b का मान 8 हो जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे 8/4 रूट के अंदर 4a² मतलब 5 का स्क्वायर तो 25, और b² मतलब 8 का स्क्वायर तो 64, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 रूट के अंदर 25 * 100 100 - 64 36 का वर्गमूल 6 × 6 = 12 यानी उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 12 cm². ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इसके मूल ज्ञात करने हैं द्विघात समीकरण के। पहले इसको एक तरफ लिख लीजिए, x² - x, 8 इस तरफ आएगा, -2 बचा रहेगा, यहां पर ये हो जाएगा समीकरण अपने पास। भाई इस पूरे हिस्से को मैं इस तरफ लेकर आ गया, ठीक है,
और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। अब हमें एक ऐसी संख्या देखनी है जिसको अगर मैं गुणा करूं तो दो मिले और जोड़ूं यानी घटाकर अगर लिखूं तो एक मिले, घटाकर लिखूं तो एक मिले। तो हमें मेरे पास मूल क्या क्या आएंगे, संख्या देखो पहले दो से गुणा करें और घटाएं तो दो और एक होगी। अब घटा के लाना है तो घटा के लाने में क्या होगा, एक दो होगी और एक क्या होगी माइनस एक, तभी आएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि यहां पर साइन माइनस का, तो इसको प्लस करोगे इसको क्या कर लोगे माइनस। अब अगर इसका गुणा करें तो आप माइनस दो आएगा, और अगर घटाकर लिखते हैं तो देखिए आपके पास माइनस का एक ही रहेगा, तो क्या जो मूल हो जाएंगे माइनस दो और एक, क्या हो जाएंगे माइनस दो और एक। ये बात समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें, पक्का ना। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। क्या है अगला प्रश्न, एक आयत की भुजाओं का अनुपात 5:4 है, इसका परिमाप इतना है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। परिमाप कितना दिया है 90, और आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, जो कि 5 और 4 के अनुपात में है, 5x + 4x है। यानी कि अगर देखें तो ये हो जाएगा 9x, और 9 में अगर मैं 2 का गुणा कर लेता हूं तो 18x, 18 से इसको काटते हैं तो x का मान आएगा 5। अब x का मान 5 आ गया, यानी एक भुजा इसकी क्या हो जाएगी 25, और दूसरी भुजा क्या होगी 5 चौको 20। अब हमारे पास भुजाएं आ गई, और इसी भुजाओं से हमें क्षेत्रफल निकाल लेना है, गुणा करना है, 25 दूनी 50, 10 पहले से था, यानी कि जो क्षेत्रफल बनेगा कितना बन जाएगा 500 cm². अगले सवाल को देखते हैं, एक व्यक्ति 1/3 दूरी को 10 km/घ, की चाल से, 1/4 दूरी को 15 km/घ की चाल से, और शेष दूरी को 50 km/घ की चाल से चलता है, उसकी औसत चाल क्या होगी, ये पूछ रहा। अब एक चीज को समझिए, हम यहाँ पे दूरी मान लेते हैं जो 3 से और 5 4 से कटती हो, 3 और 4 से कटने वाली दूरी हमने ले ली, इन दोनों का एलसीएम के हिसाब से 12, ठीक। अब या 120 ले लो तो आपको दशमलव का सामना नहीं करना पड़ेगा, 120, 120 का 1/3 कितना होता है, इसके बाद हमें निकालनी थी औसत चाल। औसत चाल क्या होती है, टोटल दूरी टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम, ठीक, टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो हमें पता हो गई कि 120 है, हमें टोटल टाइम निकालना है। तो पहले इसको देखो, 1/3 का मतलब 40, 40 को इसने चला है 10 के हिसाब से, 4 घंटे लगेंगे। फिर 1/4 दूरी इसकी 30 होगी, 30 को चला है इसने 15 के हिसाब से, 2 घंटे लगेंगे। 40 30 70 हो गया, बची होगी 50, और उसको चलता है 50 के रफ्तार से। तो अब अगर मैं समय की बात करता हूं तो यहां पर समय 4 घंटे, यहां पर समय 2 घंटे, और यहां पर समय 1 घंटे, 4 2 6 और 1 7 घंटे लगेंगे। टोटल दूरी 120 को 7 घंटे में तय किया जाता है, कटेगा नहीं, यही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, कि उसकी औसत चाल 120/7 km/घ होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, इसका आयतन, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, और यह आपको दिया है 196π। देखिए पाई से पाई का काम खत्म करते हैं, 4 से इसको काटेंगे 49 बार में कट जाएगा, कितने बार में 49 बार में, 4 से 196 49 बार में कट गया, तो r का मान आ गया 7, त्रिज्या आ गई 7। इसका आयतन ज्ञात करना है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3πr³ होता है, तो 4/3 एज इट इज, r की जगह क्या आ जाएगा 7 आ चुका है, पाई की जगह क्या आएगा 22/7, ठीक, r की जगह क्या आएगा 7 7 का क्यूब, यानी कि 49 × 7 लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे क्यों लिखा, 7 से 7 काट लेंगे आसानी से कट जाएगा। अब हमारे पास ये आया ऊपर 88 × 49, और नीचे आ गया 3। अब कुछ बालक क्या करेंगे, ऊपर को गुणा करने में लग जाए, मैं ये देख पाता हूं कि ऊपर जो भी आएगा 8 9 72 उसकी इकाई का अंक 2 होना चाहिए, ऊपर जो आएगा उसकी इकाई के अंक में 2 हो और नीचे 3 हो, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ऊपर इकाई का अंक 2 हो और नीचे 3 हो। तो आप कहोगे 1372/3 cm³ पाई, इसका जवाब हो जाएगा। अगर तो ये पाई हटा लो, पाई का मान रखने पर ही आ रहा है, ठीक, यहां से पाई हट जाएगा तो आपके पास आंसर क्या बनेगा 1372/3 cm³, पाई हटा लीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका मान ज्ञात करना है। आपको ये जानकारी होगी कि अगर x -1/x का मान अगर k दिया हो तो, और x³ -1/x³ का मान पूछा जाता है, तो ये k³+3k होता है, क्या होता है k³+3k, और अगर यहां पर k की जगह आपको 6 दिया है तो इसका मतलब 6³ + 3 × 6, 6³ 216 और 6 3 18, जोड़ देंगे 234 आपका जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले सवाल को, घन का आयतन दिया है इसका विकर्ण, अगर घन का आयतन 216 दिया है तो इसका मतलब घन की जो भुजा होगी a होगी वो 6 होगी, और घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण होता है भुजा गुणे 3 √3, तो a तो आ गया था ये 6,
और रूट थ्री आगे था, तो आंसर क्या बन जाएगा इसका, विकर्ण 6√3। बहुत ही सरल था ये तो। ठीक है, नेक्स्ट आता है। ए किसी काम को 15 दिन में कर लेता है और ए प्लस बी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। तो एलसीएम क्या हो गया, 30, यहां पर 2, यहां पर 3, यानी दोनों एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, उसमें से ए के एक दिन का काम 2 है, यानी बी एक दिन में सिर्फ एक ही काम कर रहा होगा। और अगर बी को पूरा काम अकेले करना हो एक के हिसाब से, तो बी को दिन कितने लगेंगे, 30 दिन में बी पूरा काम अकेले कर लेगा। बी इज राइट आंसर, कौन सा, बी। ठीक है, देखिए अगले सवाल पर आते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, एचसीएफ 8 है, समझिएगा इसका मतलब संख्याएं क्या क्या होंगी। अगर संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका एचसीएफ 8 है, तो 8 से पहले में गुणा करें 24, 8 से इसमें गुणा करें 40, 24 और 40 संख्याएं होंगी। अब इनका एलसीएम देखना है, एलसीएम ऐसा होगा जो 24 से भी कटे 40 से भी कटे, यानी कि 120, तो आंसर क्या हो जाएगा, 120। ठीक, नेक्स्ट इसका मध्य अनुपाती ज्ञात करना है। मध्य अनुपाती के लिए दोनों का गुणा करना होगा, क्या क्या है अपने पास, 8+4√2 और साथ में दूसरे में क्या है, 6-3√2। अब अगर हम गुणा करते हैं 8 का, तो 8×6=48 इधर आ जाएगा 24√2। अब मैं अगर 4√ इससे गुणा करता हूं, तो 6×24√2 हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा -4×3=12, 12×2=24। ठीक, अब देखो भाई इससे ये खत्म हो गया, अपने पास क्या आया, 48 - 24, 48 - 24 24 होता, अब इसका वर्गमूल लेना होगा, है ना, क्या होने लेना होगा, वर्गमूल। तो 24 के वर्गमूल को हम लिख सकते हैं 6×4, यानी कि 2 बाहर आ जाएगा, 6 अंदर बना रहेगा, तो आंसर क्या बन जाएगा, 2√6, क्या बन जाएगा, 2√6, मध्य अनुपात है। नेक्स्ट आइए, एक व्यक्ति 3 समान दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटे, 8 किलोमीटर प्रति घंटे और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। जब बराबर दूरियों को अलग अलग चाल से तय किया जाता है, तो औसत गति के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 3xyz/xy+yz+zx, ये होता है। ठीक, यहां पर एक्स वाई जेड क्या है, स्पीड है, तो मैं लिखता हूं 3, एक्स वाई जेड की जगह 6, 8 और 5, और नीचे एक्स वाई का गुणा करें तो 6×8=48, वाई जेड का गुणा करें तो 8×5=40 और जेड एक्स का गुणा करें तो 6×5=30, ये हो जाएगा। अब देखिए नीचे क्या आ रहा है, 40, 30, 70, 40, 110, 118, तो ऊपर क्या मिलेगा, 3×6×8×5 और नीचे हो गया 118, जो कट सकता है उसको काट लेते हैं, जो बचेगा उसको रोक देता है। ठीक है, चलने दो। तो अब यहां पर क्या बचेगा, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 से काट लेते हैं, 2 से 3 बार, 2 से कट जाएगा 59, 59 अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं कटेगी, जो बाकी बचा उसका गुणा करते हैं, 8×5=40, 40×120, 120×3=360, तो 360 बटे अगर 59 हम लोग करते हैं तो हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं मैथ्स के कोर्स की। ये एक कोर्स, ऐसा कोर्स है जो कि बिल्कुल आखिरी कोर्स होगा आपके लिए। इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा, इसके फीचर्स क्या क्या है, जैसे मैं सोचता हूं जितनी स्पीड मेरी है, मैं कोशिश करूंगा हर एक चीज मैं आपको सिखा पाऊं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी, स्मार्ट अप्रोचेस होंगी, सारा का सारा कंटेंट जो है इस कोर्स में वो बिल्कुल अपडेट होगा, साथ ही साथ जितने भी आए हुए लेटेस्ट क्वेश्चन है वो सब आपको देखने को मिलेंगे, हर एक प्रकार की चीजें, क्विजेस मिलेंगे, असाइनमेंट मिलेंगे, जूम सेशन मिलेगा डाउट के साथ, अगर आपको किसी चीज में कोई डाउट आता है तो उसके लिए मैं आपसे जूम सेशन में भी कनेक्ट रहूंगा। जितने भी बार वीडियो को देखना है वो देख सकते हैं, स्पीडोमीटर मिल जाएगा। उसके बाद अगर कोर्स की फीस की मैं बात करता हूं, तो केवल अर्थमेटिक क्या है 650 की, केवल एडवांस अगर आप लेते हैं तो ये 349 का होता है। कोर्स को लेने के लिए आपको ये एक क्वेरी नंबर दिया हुआ है, मैं उसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, यहां पर एक नंबर दिया हुआ है जिस पर आप कॉल करके 9369880746, इस पर आप कॉल करके क्या कर सकते हैं, चीजों को पूछ सकते हैं, कोर्स कैसे लेना है इस बात की बात कर सकते हैं। ठीक, अच्छा धमाका क्या है इसमें भाई, धमाका यह है कि जो कोर्स की कीमत अर्थमेटिक प्लस एडवांस जिस कोर्स की कीमत लगभग 999 पहुंचती है, अगर आप इसको एक साथ लेते हैं कॉम्बो, तो आपको 699 में मिल जाएगा, मात्र 699। अच्छा साथ साथ इस 699 पे भी अगर आप कोर्स ले रहे हो, तो उस पर अगर आप ये कूपन कोड अप्लाई कर देते हैं अनुराग786, तो इस पर आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा, मतलब ये भी आपको 10% कम होकर वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ एक वीडियो मैं आपको और देने वाला हूं, जिसमें मैं बताऊंगा कि पिछले कुछ समय से 2-3 दिनों से पहले TCS ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है, क्वेश्चन का जो एनालिसिस है वो थोड़ा सा आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया, मतलब अब जो चैप्टर से पहले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे थे उन चैप्टर्स को कम करके नए चैप्टर इसमें लगातार शामिल करता जा रहा है, उनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहा है, तो उस वीडियो को भी मैं आपको बहुत जल्दी दूंगा। फिलहाल इस प्रकार की जो सीरीज है मैं आपको डेली देता रहूंगा, कोशिश रहेगी मैं आपको चीजों को डेली प्रदान करूं। ठीक है, तो डेली देखिए, पढ़ाई करिए अच्छे से और सेलेक्ट होइए। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।